ए! क्या कर रहा था ये तू? अरे उसकी ना वो टायर स्लिप कर रहा था, तो इसलिए ना उसकी चूड़िया बना रहा था। अच्छा, तेरी जवान भी स्लिप कर रही है, धारियां बना दूं तेरी जीप पे। अरे भैया ऐसे कैसे बात कर सकते हो आप, हमने बोला है ना ये चूड़िया बना रहा था, तो वैसे भी आप हो कौन हमारा काम रोकने वाले, हमें अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए जाके। एक काम कर, मैं कौन हूँ ना इसके लिए, तू इस गाड़ी का नंबर ना मोबाइल पर डाल के चेक कर कि मैं कौन हूँ। मोबाइल पर डाल के ऐसे शहर का नया। अरे साहब आप गाड़ी से बाइक से घूमते हो? हाँ बाइक से घूमता हूँ, कोई दिक्कत? नहीं नहीं साहब, वैसे भी हमने बोला ना आपकी, देखो कि ग्रिप खराब हो गई है ना, तो इनको बना रहे थे हम, बस यही कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। अच्छा ग्रिप भी बना लेते हो, एक काम करो ये टायर पड़ा हुआ बिल्कुल सपाट है, इस पे ग्रिप बना के दिखाओ। अरे उस पे कैसे बन जाएगी, उस पे तो बहुत सारी मिट्टी चिपकी हुई है, और जब मिट्टी चिपकी हुई है तो हमारी ये मशीन का जो ब्लेड है ना वो रपटेगा, और जब वो रपटेगा ना तो किसी के भी लग सकता है, जब किसी के लगेगा तो खून खून बहेगा, और वो चीज ना हमें बहुत बुरी लगती है, इसलिए हम उस पे नहीं करना चाहते। इतनी सारी चीजें होने से बढ़िया है कि हम उससे दूर ही रहें, हम आपके पे कर देंगे ना, आप थोड़ा घूम के आइए, हम कर देंगे पूरा। अबे ओए मुझे ना अच्छी तरीके से मालूम है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे, मेरा टायर फाड़ रहे थे, और मैं आता तो मुझे दो स्प्रे में करके दिखा देते, लीजिए साहब आपका टायर फट गया है, अब पूरे 3,000 रुपए दीजिए, नया टायर डलवा लीजिए, और उसी बीच में कोई ना कोई बहाना लगा के चाय पियाओ या कॉफी पियाओ ये बोल के मुझे भगा देते, और पुराना सुराना टायर निकाल के डाल के ग्रीस लगा के ये लो साहब, कोई गाड़ी तैयार यही करते हो ना? अरे नहीं साहब ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, ये बगल वाला जो रामू दुकानदार है ना वो करता है ऐसा कुछ, हम नहीं करते साहब, हमें ना 6 साल हो गए यहाँ पे काम करते करते, और देखिए एक नंबर काम करके देते हैं, आज तक शिकायत नहीं आई है, और आप है कि हम पे शिकायत बनाए जा रहे हैं फालतू की। 6 साल हो गई तभी तो तेरे हौसले बुलंद हो गए कि अब तो मैं बहुत पुराना हो गया हूँ इस एरिया में, मुझसे कोई कुछ कहेगा नहीं, और 4-5 किलोमीटर के अंदर अंदर में कोई और पंचर वाला भी नहीं है, तो जो रेट मांगूंगा वो मुंह मांगे रेट मिलेंगे मुझे, यही तो सोचता है तू। अरे नहीं नहीं सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम टायर काटते हैं, पर सर आपको कैसे पता चला? आज तक किसी को भी पता नहीं चला हमारे इस काम के बारे में, पता नहीं समझ में ही नहीं आ रहा हमारे, तो आपको कैसे पता चल गया? अभी बताता हूँ कैसे पता चला, अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की की तुमने ठेल का टायर काटा था, वो मेरे पास आई थी सीधे, रुको बुलाता हूँ उसे। हाँ आ जाइए। हाँ साहब, साहब ये वही दोनों है जिन्होंने मेरी ठेल का मामूली से पंचर का पूरा टायर काट के ना उसका सापन आ गया इतना लंबा चौड़ा, मैंने इनको बोली भी थी कि मेरे टायर में तो सिर्फ पंचर था, पर इन लोगों ने मुझसे बहुत बदतमीजी करी और जबरदस्ती मुझसे 1,000 रुपए भी छीन लिए, और बोल रहे थे कि अगर किसी को भी जाके तू ना चूचा पड़ करी ना, हम तुझे बहुत मारेंगे, तुझे घर से उठवा लेंगे और तेरा ठेला भी नहीं लगने देंगे। अरे साहब देखो मैं बताता हूँ, उस दिन ना मैं बीबी से लड़के आया था और ये अपनी गर्लफ्रेंड से लड़के आया था, तो हम दोनों का ना मूड खराब था, इतने में ये आ गई, तो इसके टायर का ना हमने बिल्लेट बैठा दिया, और जो भी खुरापाती दिमाग चलाया हमने इसके टायर पे चलाया, लेकिन हम सारे पैसे दे देंगे, टायर भी दे देंगे, लेकिन हमें माफ कर। झूठ तो सफाई से बोलो। अरे बहन ये अपने 1,000 रुपए ले जाओ ना, आप टेंशन क्यों ले रही हो? मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, और किस दिन की बात कर रहे हो, ये बात तो आज सुबह की है, झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे भूल गए क्या इतनी जल्दी मेरा चेहरा? अरे भूल जाते होंगे ना बेचारे, हर दूसरी गाड़ी में यही करते होंगे। और तुम्हारी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, ये बाइक ना मैं जानबूझ के छोड़ के गया था, और जब मैं ये बाइक छोड़ के गया था ना तब भी इसका टायर ऐसी था चकाचक एकदम हवा से भरा हुआ। तुम लोग इतने अंधे हो चुके हो फ्रॉड करने में कि तुमने एक बार भी चेक भी नहीं किया कि टायर में हवा है भी या नहीं है, बस ब्लेड लाया अपना और काट दिया टायर। अरे साहब माफ कर दो साहब, गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, अब साहब प्लीज एक बार माफ कर दीजिए बस, अगर आज के बाद आपको दिखाई देना अगर ऐसा काम करें हम कहीं पर 2 नंबर का, तो आप हमें जेल में डाल देना, बस एक बार मौका दे दीजिए। सुनो बेटा पुलिस के सामने जुर्म हुआ है, और पुलिस ना अगर मुजरिमों को ऐसी तोड़ने लगी ना तो हो गया काम, भले ही तुम्हें सजा कम मिलेगी पर सजा जरूर मिलेगी, पूरे 4 महीने की तुम्हें जेल करवाऊंगा मैं, उसके बाद ही तुम लोग सुधरोगे, और उसके बाद भी तुम नहीं सुधरे ना तो उम्र कैद करवाऊंगा तुम्हें। चलो यहाँ से ताले चलो चुपचाप।